अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीका यात्रा के दौरान उनका मजाक उड़ाया था। ट्रंप के एक सहयोगी ने जब उन्हें बताया कि मोदी कई सालों से अपनी पत्नी के साथ नहीं रह रहे हैं, तो ट्रंप ने कथित रूप से कहा कि वे उनके लिए मैचमेकर जोड़ी बनाने वाला बन सकते हैं। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल अमरीका यात्रा की थी। इस दौरान जब अमरीकी राष्ट्रपति को उनके कर्मचारियों ने बताया कि मोदी अपनी पत्नी को बैठक में नहीं लाएंगे, तो उन्होंने कथित रूप से मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ उनकी जोड़ी फिट करा सकता हूँ। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसा उन्होंने दो लोगों की मीटिंग में कहा था। नेपाल को निप्पल और भूटान को कहा बटन। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी पूरी तरह जानकारी नहीं थी और उन्होंने उन्हें गलत नामों से पुकारा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब बैठक के लिए तैयारी के वक्त दक्षिण एशिया के मानचित्र का अध्ययन करते समय ट्रंप ने नेपाल को निप्पल और भूटान को बटन कहा था। अज्ञात सूत्रों ने बताया कि ट्रंप को ये भी नहीं पता था कि इन दो देशों का अस्तित्व भी है। एक सूत्र ने पॉलिटिको को बताया, उन्हें पता नहीं था कि ये क्या है। उन्होंने सोचा कि ये भी भारत का हिस्सा है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि इन देशों के बीच क्या समस्या है। मोदी के लिए जोड़ीदार ढूंढना ट्रंप का अकेला मजाक नहीं है। वो वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार अफगानिस्तान में अमेरिका की पॉलिसी पर बात करते हुए उन्होंने मोदी की नकल उतारने के लिए भारतीय उच्चारण का इस्तेमाल किया था। वो वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप को मोदी की नकल करने और भारतीय उच्चारण का प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। गौरतलब है कि मोदी ने 26 जनवरी 2019 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में ट्रंप को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया है, लेकिन ट्रंप ने अभी तक ये न्योता स्वीकार नहीं किया है। जेड न्यूज़ की रिपोर्ट।